हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ हूँ स्टैंडर्ड 7 का प्रैक्टिस सेट 45 को लेकर। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हैविंग साइड 12 सेंटीमीटर। एरिया फाइंड आउट करना है स्क्वायर का, उसकी साइड दी गई है 12 सेंटीमीटर। आपको फॉर्मूला पता है एरिया ऑफ स्क्वायर, वो फॉर्मूला हमें यहाँ पे राइट करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, साइड का स्क्वायर लेना है। साइड कितनी दी है 12, सो 12 का स्क्वायर ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ओके, 12 का स्क्वायर मीन्स 12 की 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन, 12 मल्टीप्लाई बाय 12 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। अभी देखो 12 मल्टीप्लाई बाय 12, 12 की 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन की तो आंसर आता है 144। तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गई एरिया ऑफ द स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 15 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। अभी हमें एरिया ही फाइंड आउट करनी है, पर कौन सी शेप की, रेक्टेंगल शेप की एरिया फाइंड आउट करनी है। तो देखो हमें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ। ओके, लेंथ इंटू ब्रीथ लेना होता है। सो लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर, ब्रीथ कितनी है 5 सेंटीमीटर। सो 15 × 5 = 75 आता है। सो 75 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगी एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे हम आंसर में लिखेंगे द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 75 सेंटीमीटर स्क्वेयर। एग्जाम्पल नंबर 3 है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 102 सेंटीमीटर स्क्वेयर। इफ इट्स लेंथ इज 17 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स पेरीमीटर। ओके, देखो हमें पेरीमीटर निकालनी है रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल की एरिया दी है, रेक्टेंगल की लेंथ दी है। सो देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है फॉर्मूला, उस फॉर्मूले की हेल्प से हम ब्रीथ निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें रेक्टेंगल की अगर पेरीमीटर निकालनी है तो लेंथ एंड ब्रीथ दोनों वैल्यू चाहिए होती है। इसीलिए हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये फॉर्मूले की हेल्प से हम ब्रीथ निकालेंगे। सो देखो हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ। ओके, अभी लेंथ कितनी दी है 17 सेंटीमीटर लेंथ दी है, ब्रीथ हमें निकालनी है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी है हमारे पास 102 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अभी हम देखो ब्रीथ निकालनी है, तो ब्रीथ के साथ जो लेंथ दी गई है उसको हम इस साइड में शिफ्ट करेंगे। ये 17 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे हम 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीन्स सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर रहता है। अभी ये 17 सेंटीमीटर। ओके, अभी देखो 17 × 1 = 17, 17 × 6 = 102। ओके, और ये सेंटीमीटर इस सेंटीमीटर के साथ कट हो गया, अभी क्या है सिर्फ 6 सेंटीमीटर रिमेनिंग है और ये क्या है ब्रीथ आ गई हमारी। तो 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ब्रीथ। अभी हमारे पास लेंथ भी है और ब्रीथ भी है। अभी हम पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू
पेरीमीटर रेक्टेंगल की निकालनी है, मीन्स व्हाट, जो रेक्टेंगल है उसकी सभी साइड की एडिशन, उसको टू लेंथ रहती है एंड टू ब्रीथ रहती है, तो ये हो जाएगी सभी साइड की एडिशन हमारी पेरीमीटर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी टू है यहाँ पे भी टू है, हम दोनों साइड में से टू कॉमन निकाल लेते हैं। सो टू कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे सिर्फ लेंथ रहेगी, यहाँ पे ब्रीथ रहेगी, तो लेंथ प्लस ब्रीथ, इससे हमें पेरीमीटर निकालना इजी जाएगा। अभी देखो ये टू रहेगा, अभी लेंथ कितनी आई है, हमारी लेंथ हमें दी है 17 सेंटीमीटर प्लस ब्रीथ दी है 6 सेंटीमीटर। अभी देखो 17 प्लस 6 किया तो यहाँ पे 23 आएगा, सो 2 इंटू 23, देखो 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, तो 46 सेंटीमीटर आएगी पेरीमीटर। ओके, पेरीमीटर इज इक्वल टू 46 सेंटीमीटर आ गई ऑफ अ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 46 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल नंबर 4 है, इफ द साइड ऑफ अ स्क्वेयर ट्रिपल्ड, हाउ मैनी टाइम्स विल इट्स एरिया बी एज कम्पेयर टू द एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्क्वेयर। देखो यहाँ पे ओरिजिनल स्क्वेयर के कंपेयर में साइड ट्रिपल की गई स्क्वेयर की एरिया क्या आएगी, कैसी आएगी, हमें यहाँ पे निकालना है। तो देखो यहाँ पे हम पहले ओरिजिनल स्क्वेयर की जो साइड है उसको ए कंसिडर करके एरिया क्या आएगी वो राइट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे लेट द साइड ऑफ द स्क्वेयर बी ए सेंटीमीटर। हमने जो ओरिजिनल स्क्वेयर है ना उसकी साइड ए सेंटीमीटर है ऐसा कंसिडर किया, देन इट्स एरिया स्क्वेयर की एरिया का क्या फॉर्मूला है, साइड स्क्वेयर, साइड अगर ए लिए तो ए का स्क्वेयर आ जाएगा, ए स्क्वेयर सेंटीमीटर स्क्वेयर। नाउ द साइड ऑफ द स्क्वेयर इज 3a सेंटीमीटर। साइड पहले a थी, ट्रिपल करने के बाद वो साइड 3a हो गई। द एरिया ऑफ द न्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू, साइड का स्क्वेयर साइड 3a है उसका स्क्वेयर सेंटीमीटर स्क्वेयर आ जाएगी। अभी 3 का स्क्वेयर 3 जार 9, ए का स्क्वेयर ए स्क्वेयर 9a स्क्वेयर सेंटीमीटर स्क्वेयर, ये आ गई ट्रिपल साइड स्क्वेयर की एरिया 9a स्क्वेयर। अभी 9a स्क्वेयर कितने टाइम्स है ए स्क्वेयर की, 9a स्क्वेयर इज 9 टाइम्स ए स्क्वेयर, एम आई राइट, 9a स्क्वेयर ये 9 टाइम्स है ए स्क्वेयर की। तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे द एरिया ऑफ द न्यू स्क्वेयर इज 9 टाइम्स द एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्क्वेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ। इयत्ता 7वीच्या मराठी सेमी आणि इंग्रजी या माध्यमांच्या सर्व विषयांच्या स्वाध्यायाच्या नवनवीन व्हिडिओसाठी चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा, लाईक करा, कमेंट करा आणि वर्गमित्रांना शेअर करा।